फ्रॉम बैक इट लुक्स नाइस, फ्रंट लुक बहुत ही घटिया लग रही हूँ गाइस, बहुत ही घटिया। अब बस थोड़ा सा लिपस्टिक करेंगे एंड बाल खोल लेंगे एंड वी आर रेडी टू गो। थोड़ा सा लिपस्टिक बोल करके पूरा मेकअप कर लिया वुमेन वुमेन। एक भी लड़कियों वाली हरकतें नहीं है मेरी, आई मीन एलीट लड़कियों वाली हरकतें नहीं है मेरी, पता नहीं जिंदगी का क्या होगा। तो भाई मचा रखी है, माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ, ऊपर से धरती के। गुड मॉर्निंग माई लवली पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग सिंस आई हैवन ब्लॉग्ड, आई नो आई से दिस फॉर लाइक मिलियंस ऑफ टाइम इन माई एवरी ब्लॉग विच आई अपलोड आफ्टर अ मंथ और टू, सो सॉरी फॉर दैट। सो फार दिस ब्लॉग इज अबाउट मी बींग इन गुड़गांव, आपको पता होगा कि गुड़गांव में मेरे भैया का भी घर है एंड मेरा भी हमारा भी घर है। सो आई एम हियर, गुड़गांव आई थी कुछ पर्सनल काम से एंड देन यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले मैं सिक्किम गई थी घूमने के लिए और वहाँ पे मैंने मेरा फ़ोन, जो कि मेरा प्यारा फ़ोन जिसने मेरे पूरे यूट्यूब करियर को बनाया है विच इज़ 1+70, उसको मैंने दिया था तोड़, क्योंकि वो एक बार गिरा, एक बार ये गिरा तो एक बारी का मैं आपको दिखाती हूँ उसका। एक बारी को जब ये गिरा तो इसका ना बैक पैनल टूटा था क्योंकि वो कांच का था एंड मुझे ये फ़ोन लिए हुए ऑलमोस्ट अभी 3.5-4 साल हो गए, कभी इसको कुछ नहीं हुआ था और वो पहली बार ऐसा हुआ था कि इसका बस ब्लैक पैनल टूटा तो थोड़ा डैमेज हो चुका था, लेकिन जब मैंने इसको चार्ज में डाला, वॉशरूम जा रही थी, मेरे से टकराया, फिसल के गिरा, उसके बाद ये पूरा ही उड़ गया, लाइक पूरा का पूरा ही चला गया। सो डैमेज हो गया, उसके बाद में मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा और नया फ़ोन कौन सा लिया है उसका अनबॉक्सिंग वीडियो में भी देख चुके हो, नहीं देखा है तो जाओ चैनल पर चेक करो कौन सा नया फ़ोन लिया, उसी से मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। सो फार द अपडेट इज़, मैं जा रही हूँ अपने उस फ़ोन को रिपेयर करवाने के लिए जिसको कि मैंने बहुत बेरहमी से तोड़ दिया था गलती से गिरा करके। सो फार मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, कुछ सिंपल से ही पहनूंगी, आपको जो कुछ एक्सट्रीम अच्छा करूँगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कल हम जो हैं आपकी प्यारी अलीशा फिर से पूर्णिया के लिए निकल रहे हैं कल ट्रेन से एंड वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी आई विल जस्ट गेटिंग रेडी एंड गेट माई फ़ोन फिक्स्ड और जो ब्लॉग है वो आपको कंटिन्यूसली इसमें दिखेगा। सो या वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इन केस यू आर न्यू एंड यू हैवंट सब्सक्राइब एंड यू आर वॉचिंग द कॉन्टेंट, यू आर लाइकिंग द कॉन्टेंट बट स्टिल नॉट सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ 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 डू दैट, बिकॉज वही तो मोटिवेशन होता है, वही तो नहीं है इसीलिए तो ब्लॉग नहीं करते हैं, दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट इट। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, 2 मिनट की बकवास के बाद फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is what I want to be wearing, very loose and nice t-shirt. Let me just fix the brightness of the screen so you can see this pretty ugly face. And probably I will be wearing this. आपको पता है मुझे यहाँ के ना कुछ रिएक्शन सा हो गया था किसी चीज़ का, जिसके चलते देखो मुझे कितनी सारी इचिंग और रैशेज हो गई पूरी बॉडी पर। यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट शोइंग ऑफ माई बाइसेप्स आई थिंक। सो यू कैन सी हियर, सी कुछ गंदे ही वाले रैशेज हो गए थे, जस्ट शोइंग ऑफ माई बाइसेप्स गाइस एंड या लेट्स गेट माई फेस प्रिटी क्लियर्ड अप बिकॉज इट्स अ मेस एट द मोमेंट। ये पीआर में आया था फ्री का, वो बहुत अच्छा है, आजकल मेरे को पीआर ही नहीं आ रहे क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस लेटली बहुत ख़राब रही है, जहाँ से पी आर आते हैं वहाँ पे। बुक्स, मैंने मैं टी शर्ट ही गंदा कर लिया और ये मुझे पहन के जाना था, जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ पैथेटिक अ वुमन कैन गेट लाइक मी, बिकॉज हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है एंड वी विल फ्लाई फ्लाई टू द प्लेस। आई होप आज फाइनली मेरा 1+ ऑन हो जाए बिकॉज आई हैव बीन मिसिंग माई 1+। ये फ़ोन बहुत अच्छा है, दिस इज़ वे टू गुड,
बट वन प्लस ने मेरा यूट्यूब करियर बनाया है, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. ऑल्सो इट वॉज माई हार्ड वर्क, बट या आई स्टिल वॉन्ट गिव सम नाइस क्रेडिट टू माई वन प्लस फोन विच इट इज. माई गुडनेस, आई सब विथ ब्राइटनेस. क्या गंदी वाली लग रही थी ना अभी. खैर कोई नहीं, आप लोग तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आई एम श्योर आपने मुझे फिर भी प्यार करना है. करोगे ना, करोगे ना. और मैंने सोचा जब रेडी होके जा ही रहे तो क्यों ना एक जी आर डब्ल्यू एम टाइप का वीडियो भी शूट कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, लूज टी शर्ट एंड नीचे में एकदम ये आई डोंट नो इट्स नेम वाला जीन्स. आई मीन आई सीरियसली डोंट नो इट्स नेम वाला जीन्स एंड देन पक. और इसको मैं ऐसे पीछे से ना ऐसे टक करके ऐसे स्टाइल अप कर लूँगी. आजकल बहुत ट्रेंड में है ये लुक. जिनके सर हो, जिनके सर पे मोटापा सवार है लाइक मी, उनके लिए नहीं है ये ट्रेंड. बट हमें फ़र्क क्या पड़ता है, हम फिर भी ये ट्रेंड फॉलो करेंगे. हैं कोई रुकावट तो है नहीं, किसी ने निकाल तो देना नहीं है. तो लेट्स जस्ट फिक्स दिस एंड लुक मोटा द सेम वीडियो. फ्रॉम बैक इट लुक्स नाइस, फ्रंट लुक बहुत ही घटिया लग रही हूँ गाइस, बहुत ही घटिया. चेंज कर लेती हूँ. शिट, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बहुत घटिया लग रही थी मैं. आई हैव जस्ट चेंज्ड एंड वेयरिंग अ वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ कॉलर. आई विल बी शोइंग इट टू यू, कैसा लग रहा है मुझे बताओ देख के. सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, थोड़ा सा ट्राइंग टू लुक बेटर इन शेप. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग एंड आई थिंक ठीक लग रहा है ना ये गाइस, ठीक लग रहा है. ठीक है, ठीक है, वॉट एवर. अब बस थोड़ा सा लिपस्टिक करेंगे एंड बाल खोल लेंगे एंड वी आर रेडी टू गो. दैट्स प्रीटी मच इट. So guys, I am finally set and done, almost ready for my gown, Goa gown wala thing. And this is how I'm gonna be looking under the sun, in case you wanna see. डर लगता है भाई फोन ऐसे बालकनी में होल्ड करने में, कहीं गिर भर गया ना, एक टूटा है दूसरा नहीं तोड़ सकते. सो फाइनल लुक के लिए विल जस्ट ओपन आवर हेयर, फिक्स थोड़ा सा ऐसे ऐसे से करके ऐसे कर लेंगे एंड वी आर ऑलमोस्ट डन. मेरी उबर भी ऑलमोस्ट आने वाली है. सो या वी विल गो ठीक है. एंड खिड़की बंद, बाहर की आवाज़ ब्लॉक्ड. एंड या दिस इज वी विल बी गोइंग. आई होप ये लोग अच्छा लग रहा हो एंड ब्लॉग करते हैं आगे चल के, देखते हैं क्या होता है. फाइनली ऑल सेट एंड डन, निकल रही हूँ. चोमू लग रही हूँ, आई नो चोमू लग रहे हैं ना, क्या खराब लग रहे हैं ना. चल हम जा रहे हैं ठीक है. सो या लिविंग गाइस, जस्ट हैव टू वेयर माई जूता एंड आई एम डन. गॉगल्स पहन लिया थोड़ा सा, चलो लिया था तो पहन लेते हैं, स्टाइल मार लेते हैं. जिंदगी में है ही क्या, जिंदगी में बचा ही क्या, जिंदगी में सब कुछ है स्टाइल मारना. अब ये पहनूँ या मैं ये पहनूँ, मैं ये सोच रही हूँ. तो मैं जो सोची फाइनली वो ये है कि मैं ये पहन के जाऊँगी ना कि ये, बिकॉज दिस इज टू टायरिंग फॉर मी. वो हैक्टिक, बस मेरा वन प्लस ठीक है, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है. लेट्स गो. Finally guys, my Toto is auto is coming and waiting for it to depart and as soon as possible. And मैंने चश्मा चेंज करके ये पहन लिया बिकॉज आंखें गाइज काम ना करती हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत दिखने की निंजा तैयारी. Thank you.
है, इतने सारे दुकान है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, मतलब पता नहीं क्या ही क्या प्राइस बोल रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। इट्स बिग मार्केट एंड मेस्ड अप, सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। कहीं पे कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिले, फ़ोन ठीक करना होगा, ज़रूरी है। ये आईफोन निकाल लो, इसको देखने के बाद दाम और कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं साले, बट लेट्स सी। अब ना एक फूडी को इतने सारे फूड के शॉप दिख जाना, इट्स रियली पेनफुल, बिकॉज मतलब यू डोंट वांट टू ईट फैट, बट ऑल यू कैन सी अराउंड इज जस्ट फैट फैट फैट, लाइफ इज अ मेस यार। बेसिकली दिस इज आर्केडिया मार्केट इन गुड़गांव, दिस इज़ वेयर आई एम विजिटिंग टू गेट माई फ़ोन फिक्स्ड। फ़ोन की शॉप तो मिल गई है, नेम ऑफ द शॉप इज़ मोबाइल वर्ल्ड राइट देयर, बट द प्रॉब्लम इज वो लोग खाना खा रहे हैं, सो वंस दे आर डन विद देयर फूड विल बी डूइंग विद द थिंग्स यहाँ पे। तो ये एक बार खा लें फिर अपना फ़ोन ठीक कराते हैं गाइस। कहीं पर कोई बोलते हैं 3:30, कोई बोलता है 3, कोई बोलता है 2, मतलब डेटा इज़ लाइक अ मिथ। अब मुझे लग रहा है ना घर आकर के ठीक करा लूँगी, यहाँ पे नहीं कराऊँगी, पागल हो गई हूँ मैं यहाँ पे घूम घूम के मार्केट सब। घटिया घटिया रेट है, लेट्स सी। हाँ फ़ोन तो फाइनली वो देख लिया है, जैसे कहते हैं स्क्रीन वगैरह, लास्ट में सब कुछ कर करा के ना वो 3700 में स्क्रीन और बैक चेंज होगा। पहले वाली बात तो नहीं रहेगी, बट एटलीस्ट फंक्शनल तो रहेगा, स्पेयर फोन फिलहाल मैं जा रही हूँ रियांश को उसके स्कूल के पार्ट होती जा, वहाँ से विल बी गोइंग समवेयर, उसको लाइक उसके क्लासेस में उसको लेके जाऊँगी, फिर वहाँ से आ करके फ़ोन का स्क्रीन लगेगा। दैट्स इट। अच्छा इधर से आ, टनल से कम फ्रॉम द टनल। फाइनली वन प्लस की रिपेयरिंग चल रही है यहाँ से, नेम ऑफ द शॉप इज, आई जस्ट होप काम अच्छे से हो जाए गाइस, इट्स हैपनिंग हियर इन कनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। आई जस्ट होप प्राइस इन्होंने सही ली हो, आई एम पेइंग ऑलमोस्ट 4K फॉर द बैक पैनल एंड कैमरा द फ्रंट स्क्रीन। किसी और ने भी मतलब 70 का ठीक कराया तो जस्ट टेल मी, मतलब इफ आई एम पेइंग ओके व्हाट, आई डोंट नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई हैव ब्रोकन माय स्क्रीन लाइक दैट एंड आई एम फीलिंग पैथेटिक। मैं मेरे फ़ोन के डॉक्टर को ना फ़ोन देके जा रही हूँ कुछ खाने में, सो हंग्री एंड तब से आई एम आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, अगर मैं यहाँ रही ना तो मैं सवालों की बारिश कर दूँगी, सो इट्स बेटर आई गो अवे। एक बार दिखाना भैया मर्डर होने के बाद कैसा लगता है आपको, छिछड़े उड़ चुके हैं तो कंटेंट में ज़्यादा स्टाइल मार के बोलना वो सिखाते हैं जो खुद एयरपोर्ट के ऊपर में बहुत लंबा व्लॉग बनाते हैं, बट ठीक है This is life, guys. Hota hai. It's always good to be a gommi. When you come with a gomma, and then you become gommi square, gomma gommi square. So it's fine. आप लोग नहीं समझे तो मैं क्या बकवास करी, but for the moment, enjoy what I'm doing. What I'm doing is doing nothing. I'm just going to the clubhouse, जो हमारे society का है. I'll sit there, have some pani, probably some chai also, and then we'll head back to home. नथिंग सो इम्पॉर्टेंट टू शो, बट ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब जो है यहाँ की लाइफ स्टाइल, आप जो मुझे पूर्णिया में देखते हो वॉट इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ माई फैमिली इन गुड़गांव, जस्ट ट्राइंग टू शो बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड माई वर्क इज़ टू शो यू हाउ एंड वॉट वी डू इन डिफरेंट प्लेसेज, तो दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग यू, नथिंग एज सच कुछ खास है, मतलब जस्ट शोइंग यू कि कैसे यहाँ पे इवनिंग टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी दैट आई हैव नेवर सीन, ये क्लब हाउस है, इसके नीचे का रेस्टोरेंट एरिया में हमेशा रहती थी, इवन जो हमारे पनोरमा है उसमें भी क्लब हाउस बना हुआ है पूर्णिया के हिसाब से, एंड इसका ये फर्स्ट फ्लोर है जिस सोसाइटी में रहती हूँ, जिसमें कि ये सारा शूटिंग एरिया है, एंड वी हैव दिस बैडमिंटन रूम, वी हैव स्नूकर हियर, किड्स आर प्लेइंग, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम, या दैट्स प्रीटी मच, नो नो नो, या या से हेलो, हाय हाय हाय, oh yeah he's building his body yeah.
Here are kids, they're playing and they are super intellectual. It's fun. यहाँ की लाइफ स्टाइल इज़ वे डिफरेंट देन पूर्णिया. जो आप अलीशा को पूर्णिया में देखते हो वो यहाँ पे कुछ और है, वो कहीं पे कुछ और है. सो इट्स जस्ट वन पर्सन विद डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन्स एंड वेरियंट्स दैट यू इन्जॉय इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एम्बियंस एंड सोसाइटी. या दैट्स इट, जस्ट शोइंग यू. मैं तो ऐसे आपको सिंपल मिलूंगी जल्दी जल्दी कहीं पर भी कुछ भी करके. आई डोंट डू प्रीटी मच थिंग्स, बट जब करती हूँ तो पूरा करती हूँ, नहीं करती हूँ तो आई डोंट डू एनीथिंग एट ऑल. यहाँ का अपना फेवरेट स्पॉट लूँगी, वहाँ पर बैठूंगी. आई हैव सम वाटर एंड देन आई हेड बैक टू होम. बहुत बहुत फुल कर दो भाई, थैंक यू. सुपर थर्स्टी एएफ. बड़ी कमाल की कभी गधी हूँ यार, पानी पीती हूँ वो भी गिरा करके. एक भी लड़कियों वाली हरकतें नहीं है मेरी, आई मीन एलीट लड़कियों वाली हरकतें नहीं है मेरी. पता नहीं ज़िंदगी का क्या होगा, तो भाई मचा रखी है. माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ, ऊपर से धरती के ऊपर से ये मेरा आईफोन सोचता है कैसी मोटों के हाथ आ गए हूँ. ढंग से ब्लॉग भी नहीं बनाती, doesn't know how to use me. Police. But I'll drink water. And make a move. Guys, छोटा सा vlog. इसी vlog में train वाला vlog भी continue कर देंगे. देखते हैं क्या करेंगे, हमको नहीं पता यार. Momentum टूट गया, बनता नहीं है, but बनाना तो है. गुस्सा ना नहीं आप लोग. Love you. Finally, unboxing. ठीक हो क्या गया फोन? खोल रही हूँ. फोन नया हो गया कल.